हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज को ए ऊपर पावर टी ऐसे भी नोट किया जाता है। पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं आप या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या टी या ए डैश। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या होती है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। साइड में भी लिख देता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1-k1, 5-1, 2-1 और 5-1, 3, ठीक है दोस्तों। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। आइए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं। जैसे ये रो है, इसको ऐसे लिख दो 1-1, 5, ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे -k1, 2, 3 और इसको ऐसे 5, 1, 3, ठीक है। अगर मैं ये देखूं, ये और ये सेम आया, यानी कि 8 का ट्रांसपोज लिया, वो अगेन क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से कोई मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आइए अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साइड में लिख देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, इसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। आइए जैसे देखते हैं, एक मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास 0-1, -k1, -k1, 0-1, 1-1, 0, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे क्या लेना है, पहले इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा 0-1, -1 और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लीजिए इसमें से, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ क्या बच गया, 0, माइनस बाहर आ गया तो ये क्या बच गया, 1, और यहाँ पे क्या गया, -k1, ये -1, ये 0, ये 1, ये 1, ये -1, ये 0, ठीक है दोस्तों, मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अगर मैं देखूँ ये क्या है, ये तो ए मैट्रिक्स है, माइनस था बाहर और ए, तो मेरे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, और ये कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं, ठीक है दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, किसकी फॉर्म में लिखो, एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स है, कैसे उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 A+A ट्रांसपोज करके देखते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, पहले A+A ट्रांसपोज करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का पहले क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, 4, 3, 2, 5, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने पर क्या है, 4 और 4, 8,
तीन और दो पाँच, तीन और दो पाँच, पाँच और पाँच दस। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना उसका, वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वन बाई टू करेंगे तो वन बाई टू अंदर जाएगा तो एट बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे फाइव बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे फाइव बाई टू आ जाएगा और यहाँ पे टेन बाई टू आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ गया फोर, ये आ गया फाइव बाई टू, ये आ गया फाइव बाई टू और ये क्या आ गया फाइव। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया मेरा, यानी कि इस मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या आया, कैसे एक्सप्रेस किया, आइए देखते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखिए आप, यही आ जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं इसको, वेरीफाई भी वाकई मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया हूँ। ये मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लेके देखो, लेके देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा चार पाँच बटे दो, पाँच बटे दो पाँच। हाँ जी, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लेके देखा तो सेम वही मैट्रिक्स आ गई, यानी मैंने इस मैट्रिक्स को, ए कोई सिंपल मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स को मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए ऐसे ही किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे यहाँ प्लस था तो बीच में क्या कर दो, सिंपल माइनस कर दो। वही इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज क्या था इसका, चार तीन दो पाँच, पहले क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। हाँ जी, इसको इसमें से माइनस किया, चार में से चार गया जीरो, दो में से तीन गया माइनस एक और तीन में से दो गया एक, पाँच में से पाँच गया जीरो। ठीक है दोस्तों, ये माइनस है और फिर क्या करना उसका, वन बाय टू, वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ जी, वन बाय टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बाय टू जीरो और ये माइनस वन बाय टू और ये वन बाय टू और एक जीरो। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या चीज़ आया, ये क्या चीज़ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस कर रहा हूँ। यानी कि क्या चीज़ आया, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या आएगा, मेरा माइनस ए के बराबर आएगा। देखते हैं कैसे है, जैसे इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले देखते हैं, मैं साइड में दिखा देता हूँ आपको करके, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, जीरो वन बाय टू माइनस वन बाय टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लिया जीरो, माइनस वन बाय टू जीरो। हाँ जी, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, माइनस का साइन आके, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फार्मूला होता है वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू फोर टू थ्री फाइव। ठीक है दोस्तों, और इसको एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कीजिए। तो मुझे करना क्या है, हाँ जी, तो एक्सप्रेस इन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, मैंने आपको बताया, और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, उन दोनों को क्या कर दो, सिंपली जोड़ कर दो। यानी कि मुझे क्या करना है, वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों, प्लस वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, इसको जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाया था। सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, उन दोनों को क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। आइए ऐड करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आता, फोर फाइव बाय टू, फाइव बाय टू और फाइव। ठीक है दोस्तों, उसमें प्लस क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट मेरे पास क्या आया था, जीरो माइनस वन बाय टू और वन बाय टू और वन। ठीक है दोस्तों, बस इसको यहीं तक छोड़ देना है। तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, यानी कि
इस मैट्रिक्स को मैंने सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये है सिमेट्रिक वाला पार्ट और ये है स्क्यूसिमेट्रिक वाला पार्ट। अब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस इन ए सिमेट्रिक फॉर्म भी कर सकते हैं और स्क्यूसिमेट्रिक फॉर्म भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपसे सम आ जाए तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आई होप आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक वाला कंसेप्ट समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।